दोस्तों आज हमारे पास दो फ़ोन है, वन प्लस नॉर्ड सी ई टू लाइट और साथ ही में है रेडमी के 50i। दोस्तों दोनों फ़ोन काफ़ी हद तक अच्छा ही है, लेकिन दोस्तों फिर भी कई मामले में रेडमी के 50i आगे निकल सकता है और कई मामले में हमारा यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड सी ई टू लाइट निकल सकता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है सभी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्राइस में। जी दोस्तों प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर हमारा वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट ऑफर वगैरह में आपको 18-19 हज़ार मिल जाएगा, 6128 वाला वर्जन, और वहीं हमारा रेडमी के 50i ऑफर वगैरह में 21 हज़ार या तो फिर 20 हज़ार में मिल जाएगा। 21 हज़ार में ही ज़्यादा मिलेगा 6128 वाला वर्जन, और मेरे पास है 8256 वाला वर्जन जो कि मैं ऑफर में लिया था 24 हज़ार के आसपास में। और ये वाला है हमारा वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट जिसको मैंने विथआउट ऑफर लिया था 20 हज़ार में, 19999 रुपये में। दोस्तों सबसे पहले बात करें दोनों के लुक और डिज़ाइन की। दोस्तों हमारा यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड सी ई टू लाइट बहुत ही ज़्यादा पतला है, वहीं यदि हम बात करें रेडमी के 50i की तो दोस्तों ये काफ़ी हद तक मोटा है, जिससे कि दोस्तों हमारा यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड सी ई टू लाइट बहुत ही अच्छा हाथ में ग्रिप वगैरह बैठता है। और दोस्तों ऐसे आप रखेंगे तो अच्छा भी लगेगा और पतला भी है काफ़ी हद तक, लेकिन दोस्तों इसका भी लुक काफ़ी हद तक अच्छा है। और ज़्यादा हम यहाँ पर लुक की बात करें तो सब सेम ही है, तो कुछ ज़्यादा दूर से तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कौन है। और दोनों में दोस्तों बैक में प्लास्टिक है, तो दोनों में सिमिलर ये बैग में प्लास्टिक है, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब ग्लास नहीं है तो बातें क्या कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्लास्टिक होने से ज़्यादा कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगती है किसी भी फ़ोन में। प्लास्टिक होने से और भी अच्छा होता है, फूटने उटने का चांस नहीं रहता है वहाँ पर फ़ोन। दोस्तों फ्रंट में बात करें दोनों में यहाँ पर एमुलेट की स्क्रीन नहीं दी गई है और साइज दोस्तों सिमिलर आपको दिखाई दे देंगे बड़े ही आसानी से, तो थोड़ा सा अंतर से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों चलिए अब इन दोनों के बीच के कैमरे की अंतर हम जान लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि वन प्लस की कैमरा काफ़ी हद तक अच्छा आता था पहले, और बहुत से लोग वन प्लस की कैमरे को बहुत ज़्यादा छाया भी कहते थे। लेकिन दोस्तों इस वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट की जो कैमरा है सो इसमें भी 64 MP का है, इसमें भी 64 MP का है, दोनों अगर है यहाँ पर जो ये मार्को वगैरह है इनकी हम बात ही नहीं करेंगे। फ्रंट में दोनों में 16 MP की है। दोस्तों कैमरे की क्वालिटी काफ़ी हद तक यहाँ पर हमारा रेडमी के 50i अच्छा दे देता है, बहुत से मामलों में रेडमी के 50i अच्छा देता है, या तो फिर जूमिंग का मामला हो। दोस्तों वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट में सिर्फ 6x तक ही जूम हो सकता है, लेकिन दोस्तों वहीं रेडमी के 50i में 10x तक जूम हो जाता है बड़े ही आसानी से, या तो फिर यहाँ पर क्वालिटी का मामला हो या तो फिर कलर का मामला है, सब में यहाँ पर रेडमी के 50i आगे निकल जाता है बैक में। दोस्तों फ्रंट में भी काफ़ी हद तक डिफरेंट आती है, और वहीं हमारा रेडमी के 50i फ्रंट की कैमरा में काफ़ी हद तक अच्छा निकल जाता है और अपना अच्छा परफॉर्मेंस करता है यहाँ पर रेडमी के 50i। तो दोस्तों कैमरे की क्वालिटी बहुत ही अच्छा हमारा रेडमी के 50i। दोस्तों मैं कुछ फ़ोटो भी डाल दूँगा यहाँ पर जिसको आप देख सकते हैं। और एक ज़रूरी बात है दोस्तों, इस रेडमी के 50i की कैमरा में एक ब्लॉग मोड है, जिससे कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे और से शॉट ले सकते हैं बिना एडिट किए, म्यूजिक वगैरह सब कुछ इसी में देता है। उससे दोस्तों यहाँ पर कुछ वीडियो डाला हूँ, जो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छा इससे आप शॉट ले सकते हैं इसी कैमरे से। तो यहाँ पर कैमरे में जीत जाता है हमारा यहाँ पर रेडमी के 50i। दोस्तों अभी बात करें दोनों की स्पीकर में। दोस्तों स्पीकर में काफ़ी हद तक दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा रेडमी के 50i में डॉल स्पीकर दिया है, और दोस्तों वहीं हमारा जो ये वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट है इसमें दोस्तों सिंगल स्पीकर दिया है, तो काफ़ी हद तक थोड़ा लाउड रहती है रेडमी के 50i इस वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट से। और एक ज़रूरी बात बता रहे दोस्तों, हेडफोन जैक दोनों में ही दिया है और टाइप सी दोनों में ही दिया है, तो दोनों यहाँ पर सिमिलर हो जाते हैं इन सब मामलों में। दोस्तों अभी बात करें इन दोनों में बैटरी और चार्जर की। तो दोस्तों यहाँ पे वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट में 5000 mAh की बैटरी दी हुई है, वहीं रेडमी के 50i में 5080 mAh की बैटरी दी हुई है। दोस्तों बैटरी भी सिमिलर है, लेकिन दोस्तों चार्जर में डिफरेंट है। यहाँ पर हमारा रेडमी के 50i में 66W की चार्जर दी गई है, और इसमें हमारा दी गई है 33W का चार्जर। दोस्तों यहाँ पर चार्जर में ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों कुछ ज़्यादा अंतर वहाँ पर नहीं पड़ता है, 10-20 मिनट का इधर उधर पड़ता है चार्जिंग स्पीड में, तो उसको हम ज़्यादा डिफरेंट नहीं कहेंगे, सिमिलर ही हम मानेंगे इन सबको लेकर।
दोस्तों अब बात करें इन दोनों की प्रोसेसर की। दोस्तों प्रोसेसर यहाँ पर हमारा रेडमी के 50i की काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब कि डायमंडसिटी 8100 प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों वहीं यदि बात करें इस वन प्लस नोट सी ई टू लाइट की, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 है, जो कि काफ़ी हद तक मेरे को अच्छा है प्रोसेसर नहीं लगती है बहुत सारे मामलों में, फिर भी दोस्तों ये सिमिलर सी प्रोसेसर है, नॉर्मल प्रोसेसर है, जो कि सभी मोबाइल में आजकल चिपकाया जा रहा है 20,000 के नीचे फ़ोन में इसी जो प्रोसेसर है उसको चिपका दिया है। लेकिन दोस्तों वहीं यहाँ पर रेडमी के 50i की जो प्रोसेसर है काफ़ी हद तक अच्छा है, बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज है, और इसकी प्रोसेसर मतलब थोड़ा सा भी लेग वगैरह नहीं करता है, हैंग वगैरह मोबाइल हमारा नहीं मारता है। दोस्तों डिस्प्ले में यहाँ पे आपको वन प्लस नोट सी ई टू लाइट में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है, वहीं यदि बात करें इस रेडमी के 50i में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है, जो कि वाकई में फीलिंग होता है यदि आप कुछ इस चीज़ को स्क्रॉल वगैरह करते हैं तो फील होता है, इसमें थोड़ा अच्छा लगता है हमारा रेडमी के 50i में। और यहाँ पर वन प्लस नोट सी ई टू लाइट में थोड़ा बहुत इसी को हमको अच्छा नहीं लगता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया है, फिर भी दोस्तों कोई बात नहीं है, अच्छा ही कहेंगे। दोस्तों अभी दोनों में अपडेट वगैरह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वन प्लस नोट सी ई टू लाइट में आप देखेंगे कि 2 साल का मतलब 2 साल का आपको अपडेट दी जाएगी और 3 साल की सिक्योरिटी का अपडेट दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है, और वन प्लस का सेट थोड़ा बहुत लास्टिंग भी करता है, और रेडमी में भी आया हो कि 2 साल के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों सिमिलर ही हो सकते हैं कई हद तक, क्योंकि दोस्तों रेडमी का फ़ोन में भी बहुत ही जल्दी जल्दी अपडेट आता रहता है, जो कि अच्छा लगता है ये देख कर, और अपडेट भले ही ज़्यादा दिन ना दे लेकिन अपडेट आता रहता है टाइमली। यहाँ पर रेडमी का फ़ोन मैंने बहुत सारे फ़ोन का ट्राई किया है और वन प्लस में भी अपडेट आता ही रहता है, तो दोनों सिमिलर ही हम कहेंगे अपडेट के मामले में। लेकिन दोस्तों काफ़ी हद तक हम कई फ़ोन देखे हैं वन प्लस का जो कि लॉन्ग लास्टिंग करती है, और रेडमी का भी लॉन्ग लास्टिंग बहुत सी फ़ोन करती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि वन प्लस की सेट लॉन्ग लास्टिंग करती है। दोस्तों इन सब के बीच में जो भी डिफरेंट है सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ, और बहुत सारी डिफरेंस है छोटा मोटा जो इसको आपको जानने की बेहद ही ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं, आप उसको जानने को क्या करोगे, मोबाइल खटना है, नॉर्मल सी जो चीज़ है वो आप जान चुके हैं, बस उतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं 20-21 हज़ार का कोई फ़ोन लेना तो आप रेडमी के 50i की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको वन प्लस का कोई सेट चाहिए तो दोस्तों वन प्लस नोट सी ई टू लाइट भी आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। दोस्तों थोड़ा बहुत प्रोसेसर की कमी आपको लगेगी और साथ ही में दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देखें कैमरे की क्वालिटी में थोड़ा बहुत कमी लगेगी इस वन प्लस नोट सी ई टू लाइट की, लेकिन दोस्तों काफ़ी हद तक अच्छा भी है वन प्लस का ये वाला सेट। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे और इसी साथ इस वीडियो को नहीं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।